खैर दीपक भाई, बातचीत को खत्म करें और जो ये शानदार सफर आपका, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी का, आपके परिवार का, आपकी थोड़ी बहुत शैतानियों का, बदमाशियों का और संगीत साधना का सुना, बड़ा आनंद आया। लेकिन आप हारमोनियम लेके बैठे हुए, तो वायलिन ना सही लेकिन कुछ तो, और चूंकि आपने गायकी सीखी भी है तो वो चंद चीजें जो आप सुनाना चाहते हो, जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो भी सुनेंगे हम। और उसके बाद फिर जैसा आपने वायदा किया है वो वायदा एकदम याद रखिएगा, जब वायलिन के साथ एक बार बैठना है। जरूर जरूर जरूर। कुछ आप अभी सुनाए और फिर उसके बाद आपको सजदा एल्बम से एक गजल, क्या बात, जो लता जी ने और जगजीत जी ने गाई थी। हारमोनियम लाउड तो नहीं, हारमोनियम नहीं। बहुत देर बात की ना तो अभी गला थोड़ा थक गया है। मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी, मेरे कलम पे ज़माने दर्द मेरे कलम कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो, कि मैं जमीन के मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो, मेरी हवा में उड़ने वो सजा यारो। इसी में एक बड़ी प्यारी चीज है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। एक सेकेंड ना, गिव मी वन मोमेंट। श्योर। हाँ, इसी से सेम मूड है तो देखिए। Show.
शायद फिर से राह गुजरे, शायद फिर से राह गुजरे, शायद हम कभी मिल सके मगर शायद फिर उसी राह गुज़रे, शायद जो भी बिछड़े जो भी बिछड़े वो कब मिले फराज, जो भी बिछड़े वो कब मिले फिर भी तू इंतज़ार शायद फिर भी तू इंतज़ार कर शायद। थैंक यू। क्या बात है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम अली साहब इस गजल को जब गाते हैं तो उससे पहले ये बताते हैं कि लिखी कंपोज करने के लिहाज से बहुत टफ गजल है। मतलब आपने जो वर्जन गाया संभवतः ये गुलाम अली साहब वाला नहीं है, लेकिन ये शायद पर जब नहीं ये जगजीत जी वाले, वही इसीलिए मैंने कहा कि ये जगजीत सिंह की जी की उन गजलों में से है जो शायद उतनी ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी, अगर उस तरह से मंच पे उन्होंने बहुत ज्यादा शायद नहीं गाई, लेकिन गुलाम अली साहब गाते हैं तो वो हमेशा बताते हैं कि गजल कंपोज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए क्योंकि लास्ट में शायद शब्द को कंपोज करना शायद आप बेहतर समझते होंगे मेरी ख्याल में की बात को। इसी मूड में, इसी मिजाज, इसी रंग में, इसी राग में जी बिछड़े के भी खान साहब की, गुलाम अली साहब की, मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ। सच मेरी उनसे बात होती रहती है, कभी कभी मुझे फोन करते रहते हैं, कभी मैं उनको फोन करता हूँ। और देखिए इस इन लोग के काम में क्यों असर है, मैं ये अच्छा हुआ ये जिक्र निकला, हमारी जब बात होती है फोन पे वो पहले हालचाल पूछा 4-8 सेकंड उसका, देख मैंने ये नया कंपोज किया सुन कैसा लगता है। सर ये पैशन जो है ना, ये अंदर ये आग ये देखने को नहीं मिलती अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिछड़े बिछड़े तुझसे बिछड़ मुझे तुझसे ये बदगुमानी कि मेरी याद कभी तो तुझे बहुत 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 मजा आया। बिल्कुल दीपक भाई बहुत मजा आया। और जैसा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने शुरू में एक बात बता दी थी कि लॉकडाउन का आपके ऊपर कोई असर बड़ा पड़ा नहीं है, आप अभी भी वैसे ही व्यस्त हैं, तो इसलिए मैं फिर से आपसे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूलिएगा नहीं, वॉलेट के साथ एक दिन बैठना है। और जो भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके अंदर वो जो जिसको शायद आप कहते हैं कि वो आपका अखड़पन था, लेकिन मैं तो संगीत प्रेमियों की तरफ से ये दुआ करूंगा कि आप जैसे कुछ और अखड़ संगीतकार आए, आप जैसे कुछ और अखड़ कलाकार आए, ताकि जो हमारी ये कला है इसकी जो ये इसका जो सम्मान है इसके जो संस्कार है वो न सिर्फ कायम रहे बल्कि वो बचे रहे और उन्हीं उन्हीं उसी खूबसूरती के साथ बचे रहे जिस खूबसूरती के साथ हमें बड़े बुजुर्ग हमारे देकर गए थे या हमें सौंप कर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे रागगिरी के मंच पे इनवाइट किया, मुझे बुलाया. थैंक यू, प्लेजर 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 टॉकिंग टू यू, सीरियसली थैंक यू सो मच. आई होप टू, बहुत बहुत, आई डेफिनेटली विल मीट सून. थैंक यू, थैंक यू सो मच. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें. इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं. हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे.